सारे जा रहे हो तुम? चाय रखी है मैंने, चाय तो पी लो। हाँ, जाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे हाथ की चाय पी के जाऊं तो रुक जाते। एक मिनट ना, लो भाई। देखा, मिठाई लेकर आए। मैं आपसे कह रही थी ना, सारे भाई की बात पक्की हो गई है। क्या हुआ? मिठाई खाओ। अच्छा, आप पूछोगी नहीं कि ये मिठाई मैं किस खुशी में लाया हूं? बहुत बहुत मुबारक हो सारे भाई, आपकी बात पक्की हो गई। तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम तो कमरे में नहीं थी। क्या मतलब मैं कमरे में नहीं थी? तो तुम कान लगा के सुन रही थी, है ना? मैं मामा को मना किया था कि तुम दोनों को ना बताएं। तुम दोनों को मैं खुद सरप्राइज देना चाहता था। मैं बता, अम्मी हम मामू के पास क्यों आई हैं? हमारे रिश्ते के लिए, तुम्हारा हाथ मांग। क्या? हाँ। अरे वाह, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। उषा, अगर कोई मरने वाला होगा ना तो तुम्हारी बात उसे मजीद मार देंगी। क्या हुआ? इंसान में अगर 1% भी कोई उम्मीद होगी ना बाकी, इसकी बातें और बकवास सुनने के बाद ना वो मायूसी के निचले दर्जे में जाके मर जाएगा। मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया था, बस वही लेने के लिए जा रहा था। पकड़ो। बातें सुनते चलो। जी जी, आप जैसे जैसे आपकी मर्जी। अनमोल आप ही की बेटी है, जो आप बेहतर समझे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ सिद्दीकी, कि जब फैसला तुम्हें और मुझे ही करना है तो कोई मुनासिब दिन देखकर तय कर लेते हैं। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते मंगनी की रस्म कर लेते हैं। ठीक है आपा, मुझे कोई एतराज नहीं है, सिर्फ तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। कैसा टाइम, एक दिन में तैयारी हो जाती है, और ये तो मंगनी की है। मैं कौन सा निकाह कह रही हूँ, शादी की तैयारी में टाइम लगता होता है ना। जी, एक्सक्यूज मी, ये तुम दोनों चुप चुप के क्या बातें सुन रहे हो? कुछ नहीं, हम ऐसे खड़े थे। यार, कभी तो अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया करो, प्लीज। तुम खुश तो हो ना अनमोल? बस मुझे हैरत है कि वो कैसे मान गई। मेरी माँ है, आखिर मानना तो पड़ेगा ही ना, उसे प्यार जो इतना करती है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना जिनसे उनका मूड खराब हो जाए। अब मेरा मतलब है, जो कहें जैसा कहें सुन लेना मेरी खातिर। थैंक यू। तुझे लगता है कि मैं ऐसे तेरी जान छोड़ दूंगा?
क्या हुआ शानी? अरे कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूँ, काटे जा रही हो। तो मैं और क्या करूँ, जब से मैं आई हूँ मुसलसल मेरा फोन बजी जा रहा है, तुम्हें तो सबर है ही नहीं। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ना शक वाली नजरों से देख रही हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, और कितना सबर करना है मुझे। अरे कहा था यार कि जरा पहले निकला, अब कितनी देर में आ रही हो? बहुत देर हो गई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं निकल सकती, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता भाई, जल्दी आ जाओ, बाहर खड़ा हूँ, गर्मी है बहुत। और अगर तुम फौरन नहीं आई तो मैं उतर के बेल देता। धाके लिए शानी हिम्मत करना, बस दो मिनट इंतजार करो, मैं आ रही हूँ ना। ऐसे बात करो ना, प्यार की जबान नहीं समझ आती। आप कहाँ पर हो अभी तक, क्या स्कूल पर हो? नहीं सारे, मैं यहाँ उषा की दोस्त के आई हूँ, यहाँ मिला था ना तो यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ से निकल के थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। आपी, कहाँ रह गई थी तुम, कहाँ गई थी? आपी, मैंने शानी को देखा। आपी, मैंने अरिबा को शानी के साथ जाते हुए देखा। शानी अरिबा का कजन है। आपको हैरत नहीं हो रही? नहीं। आपको पहले से पता है कि अरिबा और शानी कजन है? इसका मतलब है अरिबा को कुछ पता ही नहीं है कि शानी किस तरह का इंसान है और क्या कुछ करता फिरता है। मैं अरिबा को सब कुछ बता दूंगी। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी दोस्त अच्छे से जानती है कि उसके कजन की क्या करतूत है। अपनी मर्जी से आंखें बंद करके बैठी है ना, और हमें क्या जरूरत है किसी की आंखें खोलने की, जो मर्जी करते रहे। अब चलो यहाँ से, देर हो रही है, शॉपिंग पर भी जाना था। बुशरा, तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई हूँ। चलो मैं फारिया को बता देती हूँ। बुशरा तुम लोग जा रहे हो? हाँ बस निकल रहे। अच्छा ये अरिबा ना अपना इयररिंग भूल गई है। मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ मगर वो उठा ही नहीं रही। तुम एक काम करो, ये उसे जाते हुए दे देना, उसका घर तुम्हारे घर के रास्ते में ही पड़ता है। नहीं नहीं फारिया, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, बाबा हमारा वेट कर रहे होंगे। तुम जिस कजन के साथ गई उसे फोन करो, वो आके ले जाएगा ना। या फिर ऐसा करो अपने पास रख लो, कल कॉलेज में दे देना। नहीं अनमोल, ये उसकी अम्मी का इयररिंग है और ये गोल्ड का है। खुदा ना खास्ता कहीं इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। तुम देते हुए चल जाना प्लीज यार। अच्छा तुम परेशान हो, हम जाते हुए दे देंगे। अल्लाह हाफिज़। इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़।